नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। एनडीए के नेताओं के चेहरे पर 3 दिन की जो मायूसी छाई थी, आज वो खुशी में तब्दील हो गई है और देश के वापस से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये पहली बार 1962 के बाद होगा कि कोई नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेता दिखाई देगा। दर्शकों, 9 जून को देश के प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और इसके साथ आज पूरा दिन पत्रकार जी, बहुत शुक्रिया विश्लेषण से जुड़ने के लिए। कितना हैक्टिक रहा है पूरा दिन। पहले वहां पर भाषण हुआ, सभी ने अपना न्योता दिया, सभी ने कहा हम आपको संसदीय दल का नेता चुनते हैं एक एक बारी से। उसके बाद देखिए, रुके नहीं, फिर खैर ये क्राइटेरिया होती है, ये प्रोसेस होता है, तुरंत लालकृष्ण आडवाणी की जी के पास पहुंचे सम्मान देने का। कैसे भूलेंगे उनको, इतने बड़े नेता हैं, वहां तक यही तो पहुंचाए हैं। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी। लेकिन पत्रकार जी, देखने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात रही कि मुरली मनोहर जोशी ज्यादा एक्टिव दिखे। अब आडवाणी जी की थोड़ी एज हो गई, ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी वही गर्म जोशी से दिखे। इसके साथ राष्ट्रपति के पास तुरंत गए मोदी जी मिलने और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने इनविटेशन उन्हें यहां दे दिया है कि आप बनाइए सरकार और सबका साथ है। क्या बोलिएगा पूरे प्रोसेस पे, किस तरीके से अब आपको लगता है कि एनडीए में जान फूकने का काम किया आज प्रधानमंत्री? और पत्रकार जी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा उनके अभिभाषण में, तो आज आपको उनकी पुरानी ऊर्जा दिखी कि नहीं, जो परसों नहीं थी बीजेपी मुख्यालय में, लेकिन आज उनकी पुरानी ऊर्जा दिख रही है गर्मजोशी के साथ। और आज एक और बात कही कि ये जीत पे इस तरीके से ये ढोल पीट रहे हैं, हमने कभी हार को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया है। मतलब हमारी जो हार हुई, थोड़ी बहुत सीटें कमाई, उसको ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने कि हमने जीत को हमेशा से एक्सेप्ट किया है और हार को भी एक्सेप्ट किया है अपने पुराने अंदाज में। क्या कहेंगे पत्रकार जी, पूरे दिन का आपको क्या लग रहा है, आज का विश्लेषण आप क्या देंगे? और क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में एनडीए मजबूत हो जाएगी और जितनी अभी दिखाई दे रही है? और नीतीश कुमार का तारीफ करना, चंद्रबाबू नायडू का बताना कि 3 महीने से सोए नहीं है, अथक प्रयास है, तो ये सहयोगी दलों ने जान फूंक दिया, पूरे विपक्ष को ये दिखा दिया है ना कि वी आर विथ ओनली एंड ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या बोलेंगे? देखिए, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि मैंने विजय को बर्दाश्त किया और पराजित का उपहास नहीं किया। ये एक सबसे बड़ी बात। मैं आपको बता दूं, इसके पहले की बात है, कांग्रेस जब जब जीत करके आई है, 1977 के बाद 1980 में सरकार बनी, 1984 में बनी, अभी 2004 में मनमोहन सिंह की बनी और 2004 में अल्पमत में थी। इनकी अधिकतर सरकारें अल्पमत में रही, नरसिंहा राव वाली अल्पमत में थी और इंदिरा जी की भी पहली सरकार अल्पमत में थी। तो उस समय, जिस समय ये बहुमत पा जाते थे, तो एक बात कहते थे, खटिया गड़ी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, ये देखो विपक्ष का ढोल, हमेशा कहते थे खटिया खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। मोदी जी के उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा। आपको बताना है, जितने भी उनके साथ राजग लड़े थे वो आज भी उनके साथ हैं, और इंडी गठबंधन में जितने थे उनके साथ नहीं है। दूसरी, आज राष्ट्रपति के यहाँ मोदी जी गए, राजग की बैठक हुई, उनको नेता चुना गया। नेता चुनने के बाद सभी नेताओं ने उनसे कहा इसमें देरी न करिए, तुरंत जाइए। कल भी नीतीश कुमार जी ने और नायडू जी ने कहा था देरी मत करिए, तुरंत जाइए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि विपक्ष के भी कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि साहब जल्दी सफल लीजिए। कल आज भी नीतीश कुमार ने जी ने, नायडू ने और जनसेना के उन्होंने सब लोगों ने कहा कि साहब जल्दी सफल लीजिए, देरी मत कीजिए। राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया तब वो आज गए हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, स्वयं मोदी जी ने कहा राष्ट्रपति के उससे भी ये है और ये खबर सब जगह है। राष्ट्रपति ने बुलाया तब वो शाम को गए, राष्ट्रपति ने उनको लेटर दिया, काहे का दिया, नियुक्त का, पीएम के लिए नेता माना, सदन का नेता माना और पीएम के शपथ ग्रहण के लिए उनको न्योता दिया और उनको बाकायदे पीएम के लिए नियुक्त कर दिया। दूसरी, राष्ट्रपति ने उनसे अनुरोध किया कि आप मंत्रिमंडल में जितने लोगों को रखना चाहें उनके मुझे लिस्ट दे दीजिए ताकि मैं तैयारी कर लूं। अब आप समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो, बन गया,
उस व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति से के यहाँ से न्योता आए, इसके पहले पुराने मंत्रिमंडल के लिए स्पेशली राष्ट्रपति ने भोज दिया कल, और आज बाकायदे न्योता दिया, नियुक्त पद दिया। ये भी अनुरोध किया कि आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए कौन कौन से लोग। दूसरा टाइम भी उन्होंने दोनों लोगों से मिलकर डिसाइड कर लिया, 9 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। अब आप देखें कितनी बड़ी बात है। दूसरा आपको बता रहे हैं कि राजग के साथ जितने लोग थे वो सभी दल आए, उन्होंने बैठक की पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में, और उस पे मोदी जी को सभी ने नेता चुना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। दूसरी, मोदी जी ने कहीं घमंड नहीं किया राष्ट्रपति के पास। अब यह है कि सरकार का उनका गठन हो गया और मंत्रिमंडल भी गठित हो जाएगा। अब आई बात बहुमत की, बहुमत उनके गठबंधन को पूरा 293 सीटें उनके जीत के आई थी, 240 सीट बीजेपी स्वयं जीत करके आई है। इसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कई बार अल्पमत में रही, मगर इतने ज़्यादा सांसद उनके जीत के नहीं आए। बिल्कुल सही। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के इतने सांसद कई वर्षों से, कई दशकों से जीत के नहीं आए, कई दशकों से नहीं जीत के आए जितने बीजेपी के जीत के आए। इसके पहले 303 आए थे, आज की स्थिति है कि इनके साथ 303 सांसद हैं, 303 सांसद हैं। हो सकता है संख्या 308-309 तक हो जाए। तमाम निर्दलीय इनको खुल के सपोर्ट कर रहे, तमाम अन्य दल के देख कर रहे। कांग्रेस के जो सांसद हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, कांग्रेस के 99 सांसद जीते। दूसरा, हाँ। कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका जो गठबंधन था, जो इंडी था, इंडी में कई लोग इनके खिलाफ लड़े, कम्युनिस्ट वहाँ लड़ा बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ, टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। अब आप सुन ले कि इंडी गठबंधन और लड़े अलग अलग। अब वही जो है केरल में भी कम्युनिस्ट खिलाफ लड़े, अब उसमें ये उसी उन्हीं सब दलों को जोड़ रहे हैं, जब वो साथ लड़े नहीं। दूसरी बात यह है कि जब विश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो नरेंद्र मोदी जी के लिए के उसमें जब वो विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, उस समय इंडी गठबंधन जिनको बता रहे हैं जो साथ नहीं रहे, उसमें कई लोग अनुपस्थित रहेंगे, कई लोग बाइकॉट करेंगे। इसके अलावा जो अभी की खबरें हैं वो ये है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजग का स्थापना शरद यादव जी ने और प्रकाश सिंह बादल ने इनका नाम लिया, जॉर्ज फर्नांडिस का और बाल ठाकरे का, इन सब बड़े बड़े लोगों का नाम लिया। जब उन्होंने नाम लिया तो उसका असर ये रहा कि आपको बता रहे हैं कि जो अकाली दल है, अकाली दल के वहाँ से पंजाब से सांसद जीत करके आए, उन्होंने ओके कर दिया समर्थन के लिए। अब जो बाला साहब ठाकरे का नाम लिया कि उन्होंने किया था, उद्धव गुट जो है इसमें अब प्रयासरत, हर हाल में उद्धव गुट बाइकाट कर, मगर उनके सामने समस्या है कम्युनिस्ट विचारों का अंदरूनी रूप से संजय राउत, वो ये नहीं चाहते, क्योंकि संजय राउत के कनेक्शन या संजय राउत के मेल मिलाप सभी से कम्युनिस्टों से है, वो नहीं चाहते बीजेपी। मगर उनकी कितनी वहाँ चलेगी, उनकी हैसियत क्या है, ना उनकी बराबरी की हैसियत है उद्धव ठाकरे से, कभी हो भी नहीं सकती है, तो उनकी क्या हैसियत रहती है, अब उस पर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने शरद यादव का नाम लिया, जॉर्ज फर्नांडिस। मैं आपको क्लियर कर दूं, राजग से जो सांसद जीत के आए इसमें दो जो हैं वो शरद यादव को मानते हैं, पप्पू यादव भी शरद यादव मानते हैं, पप्पू यादव भी बाइकॉट करेंगे नहीं तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। राजग भी टूटने जा रहा है, राजग भी टूटने जा रहा है। अब आपको बता रहे ये जाएंगे बहुमत, अब आया विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उसमें लगभग आपको बता रहे 303 से 309। इसके अलावा मंत्रिमंडल के गठन की बात बता रहे, अभी तक ये खबर दे रहे थे मीडिया वगैरह कि कई लोगों को उनको मौका मिल गया, वो लोग बड़ा वैसे बोल रहे थे
कि परंतु अब उन्होंने देख लिया जब मीडिया की सरकार बन रही है, बीजेपी और राजग की जो सरकार बन रही है, जब उन लोगों ने देख लिया तो वो भी अब जो अपना सुर बदल चुके हैं। दूसरी आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में आज जो सबसे बड़ी बात हुई है उसमें स्पष्ट रूप से नायडू ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना योग्य व्यक्ति, देश को बचाना है, सभी नीतियों को सच्चे भावना से काम करने वाला, इनके ये महाशक्ति वैश्विक महाशक्ति में भारत को ले आएंगे, और मोदी खुद अपने आप में महाशक्ति महान हैसियत है और महान शख्सियत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके पास विजन है, जोश है, क्रियान्वयन बहुत बढ़िया ढंग से कर लेते, सभी नीतियाँ सच्ची भावना से करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सपोर्ट। इन लोगों ने बाद में ये भी कह दिया, सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि मंत्रिमंडल में इन लोगों ने ये भी कह दिया, आप दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि हमको बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, और मोदी जी तो हमारे बिल्कुल गार्जियन है, उनका जो हमारे पिता जी ने सपना देखा था जहां निहारा वहां चिराग जलाना, उस काम को तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब वो बोले के बाद शपथ उन्होंने आके पैर छुए बड़े उससे, अब मोदी ने भी चिपटा लिया, उसने साफ कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, जनसेना ने कह दिया हमें मंत्रिमंडल सब करने। दूसरा ये उम्मीद की जा रही थी अध्यक्ष हो, नीतीश कुमार ने कह दिया नहीं दादा हमें आपको, नीतीश कुमार ने बोलने के बाद आकर के पैर छू लिए नरेंद्र मोदी। आपको बता दें वास्तव हकीकत यह कि नरेंद्र मोदी से कुछ महीने वो बड़े हैं, क्योंकि पहले कई बार इन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने। अब जिस व्यक्ति की इतनी इज्जत हो, सरकार स्थायी बनने जा रही, अब आया मंत्रिमंडल की बात। आपको बता रहे मंत्रिमंडल को लेके कोई मतभेद नहीं, जहाँ तक जो है संभावना है 6 से 12 तक मंत्री बनाए जाने की। हालांकि मोदी जी में खासियत है 12 ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल उनको स्वयं में पसंद नहीं है। अब आपको बता रहे इस सरकार को रोकने के लिए सत्यनारायण गंगाराम सह पित्रोदा जाल सोड़े बाहर की ताकतें अलगाववादी सब लगे हुए, इंडी गठबंधन के लोग, खड़गे जी अपने घर पे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, उधर ममता ने कल मीटिंग बुलाई है, ममता सबसे ज्यादा गुस्साई हुई है क्या कर रहे हो, खड़गे जी सोच रहे हैं शायद इस उसमें हम धुप्पल में बन जाए, सबसे बुजुर्ग है तो खड़गे जी अपने दिल की बात कह चुके हैं। तो आपको बता रहे इंडी गठबंधन भी टूट रहा, आपने मना कर दिया, सरकार इनकी परमानेंट है, कोई भी इब्बड नहीं है, उसकी खिसियाहट भी दिख गई है कि राहुल गांधी आज काफ़ी खिसियाए हुए हैं, मीडिया से भी, एक लड़की से भी, कल भी बोल दिया मौसमी सिंह से, इस समय आप पार्टी के सारे लीडर और जो ये कहते थे मीडिया से हवा निकल गई, ऐसा लगता है इंडी गठबंधन की हवा ही नहीं निकल गई, लगता उनका ट्यूब ही पंचर हो गया। ठीक है, तो देखिए सब अपने फॉर्म में लौट रहे हैं, और पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में कहा कि बच्चे से भी पूछिएगा, किसी एक बालक से भी, तो वो कहेगा किसकी सरकार थी, एनडीए सरकार थी, आप पूछिएगा किसकी सरकार है, एनडीए सरकार है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम जीत को पहचाना जानते हैं और हार का कभी मजाक नहीं बनाते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। और यही बात देखिए दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है कि पीएम मोदी स्पोक सो वेल कि हम हार को पहचाना जानते हैं, जीत को पहचाना जानते हैं। अब देखिए इसी तरीके से यहां पर गठन हो चुका सरकार का, दर्शकों अब 2 दिन में आपको बेहद दिलचस्प यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर सरकार बनाने का दावा, सरकार बनने की तैयारी, शपथ ग्रहण समारोह अभी दिखाई देगा। तो ये इंडिया के लिए जश्न का माहौल है, पूरे देश विदेश से पीएम मोदी को बधाई संदेश आने लगे हैं, जिससे आसपास के यहां पर हिंदुस्तान के दुश्मन देशों को मिर्ची लगी है और देश में बैठे दुश्मनों को भी मिर्ची लगी है। पत्रकार जी शुक्रिया आपके विश्लेषण का, अब बने रहिए, जो भी राय है रखिए।